हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू बायोटॉक चैनल आज की ये वीडियो हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट थ्री और साथ ही साथ लास्ट पार्ट है इसमें हम जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चन अब रह गए हैं वो सारे क्वेश्चन डील करेंगे तो इसका जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का सिक्सटीन क्वेश्चन इसमें हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है तो सबसे जो फर्स्ट स्टेटमेंट आती है वो आती है एंड्रोजनस आर प्रोड्यूस्ड बाय सरटोली सेल एंड्रोजन हार्मोन जो है मेल की बॉडी में प्रोड्यूस होता है इसमें बताना है कि वो सरटोली सेल से प्रोड्यूस होता है तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स आ जाती है क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं लीडिंग सेल नेक्स्ट है स्पर्मेटोजुआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल तो सर्टोली सेल ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्मेटोजुआ का ये आ जाती है हमारी ट्रू स्टेटमेंट नेक्स्ट है लीडिंग सेल आर फाउंड इन ओवरी नो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट लीडिंग सेल कहाँ पे होते हैं मेल की बॉडी में होते हैं टेस्टिस में होते हैं ओवरी तो फीमेल की बॉडी में होती है तो ये आ जाती है फॉल्स स्टेटमेंट नेक्स्ट वन इज लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड्रोजन ये आ जाती है ट्रू स्टेटमेंट लीडिंग सेल ही सिंथेसाइज करते हैं एंड्रोजन हॉर्मोन मेल की बॉडी में नेक्स्ट वन इज ओजेनेसिस टेक्स प्लेस इन कॉर्पस ल्यूटियम ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है ओ जेंसेज कहाँ पर होती है फीमेल की ओवरी में होती है और जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो क्या होता है जब ओवुलेशन होती है ग्राफियन फॉलिकल बाहर निकल जाता है और उसके बाद जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल बच जाता है लास्ट में उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम तो यहाँ पे ओ नहीं होती है ओवरी में होती है तो ये स्टेटमेंट इस तरह से क्या हो जाती है फॉल्स हो जाती है नेक्स्ट इज मैंस्ट्रोसाइकिल सीज इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है क्योंकि प्रेगनेंसी जो है सीज कर देती है मैंस्ट्रोल साइकिल को नेक्स्ट इज प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्शुअल एक्सपीरियंस ये आ जाती है हमारी ट्रू स्टेटमेंट क्योंकि हाइमन और हाइमन की प्रेजेंस और एब्सेंस से हम किसी फीमेल की वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस का पता नहीं लगा सकते हैं। ये कोई एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है तो ये आ जाती है हमारी ट्रू स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैंस्ट्रल साइकिल विच हार्मोन रेगुलेट मैंस्ट्रल साइकिल इसमें हमने बताना सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है डिटेल में नहीं बताना है सिंपल बताना है कि क्या होती है और साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन से हार्मोन रेगुलेट करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है एक साइकिलिक चेंज है जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है ये जो पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड होता है इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो रिपीट होते हैं हर एक मंथ में इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म में क्या होंगे वो सारे इवेंट्स रिपीट होंगे एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटरस विद ब्लीडिंग यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो शेड ऑफ़ हो जाएगी टूट जाएगी और वो बाहर निकल जाएगी फीमेल की बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग और साइकिल को टेम्परेरली स्टॉप किया जा सकता है प्रेगनेंसी से क्योंकि जब एक फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी साइकिल सीज हो जाती है या रुक जाती है अब बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो साइकिल को रेगुलेट करते हैं सबसे फर्स्ट आ जाता है एफएसएच एस दैट इज फॉलिकल स्टिमूलेटिंग हार्मोन नेक्स्ट इज ल्यूटेलाइजिंग हार्मोन दैट इज एल एच हारमोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिंग ये चारों हार्मोन क्या है ये मैंस्ट्रोल साइकिल को रेगुलेट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज पार्चुरेशन विच हॉर्मोन्स आर इन्वॉल्व इन इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन तो पार्चुरेशन क्या होता है इसका सीधा सा मतलब हम बोल सकते हैं लेबर जैसे बोलते हैं किसी फीमेल की डिलीवरी हो रही है या उसको लेबर पेन हो रहा है चाइल्ड बर्थ हो गया तो उस सभी प्रोसेसेस को या इन सभी जो ये फिनोमिनन होते हैं इनको बोलते हैं पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन क्या होता है ये एक सीक्वेंस होता है जिसमें बेबी और बेबी के बर्थ के बाद जो प्लेसेंटा होता है फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है एक्सपेल आउट किया जाता है ये प्रोसेस अपने आप ही स्टार्ट होता है जब एक फीमेल कंसीव करती है उसके टू एटी डेज़ के बाद पार्चुरेशन का प्रोसेस अपने आप कंप्लीट होता है या स्टार्ट होता है बट कुछ एक केसेस में ये वेरी भी हो सकता है एक्सेप्शन हर केस में होती है कहीं पे जल्दी हो सकता है कहीं पे ये लेट हो सकता है ये वेरी करता है फीमेल टू फीमेल जो पार्चुरेशन का जो प्रोसेस है इसमें कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है इसमें किस किस का कॉर्टिसोल हार्मोन का एस्ट्रोजन का और ऑक्सीटोसिन का पार्चुरेशन में क्लियर नेक्स्ट वन इज इन आर सोसाइटी द विमन्स आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर्स कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज नॉट करेक्ट हमारे सोसाइटी में जो है फीमेल को ब्लेम किया जाता है डॉटर्स की बर्थ के लिए तो हमने बताना है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है या स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है अगर ट्रू है तो क्यों है और अगर फॉल्स है तो कैसे है तो सबसे पहले देखो जो सेक्स क्रोमोजोम का पैटर्न होता है ह्यूमन में जनरली दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई अब ह्यूमन फीमेल में पैटर्न होता है एक्स एक्स का जबकि जो ह्यूमन मेल होते हैं उनमें पैटर्न होता है एक्स वाई का तो इससे हम बोल सकते हैं मतलब मेल में क्या है है दो तरह के गैमिट्स प्रोड्यूस होंगे इसमें बट फीमेल में क्या है है इसमें एक ही तरह का गैमिट प्रोड्यूस होगा जो सिंगल एक्स का होगा अब अगर हम हैप्लॉयड हैप्लॉयडिज की देखें कि अगर एक हैप्लॉयड क्रोमोजोम होगा फीमेल में तो वो एक्स का होगा बट मेल के केस में वो एक्स और वाई क्रोमोजोम कैरी कर सकता है हेपलॉयड अगर कोई गैमिट होगा वो अब गैमिट बन गए मेल और फीमेल के बॉडी में इसके बाद इनका फ्यूजन होगा फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है अब मेल फीमेल से तो एक्स ही क्रोमोजोम आएगा या एक्स टाइप का गैमिट आएगा और मेल से एक्स का भी आ सकता है तो वाई का भी आ सकता है तो उससे क्या करेगा अगर एक्स एक्स होता है फीमेल से अगर एक्स आता है मेल से भी एक्स आता है तो जाइगोट बनेगा एक्स एक्स का अगर फीमेल से एक्स फीमेल से तो एक्स ही आएगा और अगर मेल से वाई आता है तो जाइगोट बनेगा एक्स वाई का डिपेंड करेगा कि जो स्पर्म है वो कौन सा क्रोमोजोम कैरी कर रहा है एक्स कर रहा है या वाई कर रहा है और फिर तो उसने फर्टिलाइज तो एक्स क्रोमोजोम के ही साथ करना है एक्स क्रोमोजोम के ओबोम के साथ ही करना है अब जो जाइगोट होता है जो कैरी करेगा एक्स एक्स टाइप के क्रोमोजोम वो एक फीमेल बेबी होगा और दूसरा जाइगोट अगर वो कैरी करता है एक्स वाई टाइप के क्रोमोज़ोम तो क्या होगा मेल बेबी हो सकता है तो इस ये जो हमने सारी अभी इतना सारा पढ़ा देखा तो इन सारे स्टेटमेंट्स के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये जो बात है कि सेक्स जो डिटर्मिनेशन होती है ह्यूमन में वो फीमेल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है एक मेल के ऊपर एक फादर के ऊपर डिपेंड करती है कि जो आने वाला बेबी होगा वो कौन से सेक्स का होगा मेल होगा या फीमेल होगा नेक्स्ट वन इज़ हाउ मैनी एग्ज आर रिलीज्ड बाई अ ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ एक ह्यूमन ओवरी एक मंथ में कितने एग्ज रिलीज करती है हाउ मैनी एग्ज डू यू थिंक वुड हैव बीन रिलीज इफ़ द मदर गेव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्वीन अब अगर कोई आइडेंटिकल ट्विंस को बर्थ कर रहा है कोई फीमेल तो उसकी उसकी ओवरी में कितने एग्ज रिलीज होंगे वुड यू आंसर चेंज इफ़ द ट्विंस बॉर्न वैटरनल अब इसमें हमने बताना है कि आइडेंटिकल ट्विन्स कैसे बनते हैं और फ्रेटरनर ट्विन्स कैसे बनते हैं सबसे पहले देखते हैं जो ह्यूमन की ओवरी होती है फीमेल की ओवरी होती है उसमें हर मंथ एक ही एग रिलीज होता है अब बात करें अगर आइडेंटिकल ट्विन्स की नाम ही है आइडेंटिकल मीन्स वो सेम सेम देखने में होंगे तो ये कैसे फॉर्म होते हैं जब एक सिंगल जो एग होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है और उसके बाद वो टूट जाता है टू इक्वल हाफ में वो जो हाफ होंगे वो होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल बिल्कुल सेम टू सेम होंगे और इस तरह से जो ट्विंस बनते हैं वो सेम डीएनए के सेट को कैरी करते हैं और साथ ही साथ उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी होती हैं इस तरह के ट्विन्स जनरली सेम सेक्स के बनते हैं अगर वो पहला जो फर्टिलाइज हो गया है एग या जो जाइगोट बन रहा है वो मेल सेक्स का है तो दोनों ही जो बेबीज़ हैं वो मेल सेक्स के बनेंगे और अगर वो फीमेल सेक्स का है तो दोनों ही बेबी फीमेल सेक्स के बनेंगे तभी इनको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स नेक्स्ट आता है फ्रेटर्नल ट्विन्स ये एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंट होते हैं सेम नहीं होंगे अब ये दोनों कैसे फॉर्म होंगे कई बार क्या होता है दो एग रिलीज़ कर देती है ओवरी और दोनों ही एग्स फर्टिलाइज़ हो जाते हैं इस तरह से क्या होता है जो ट्विन्स बनेंगे उनके पास डिफरेंट डीएनए का सेट चला जाएगा और उनमें जो सिमिलरिटीज़ होती है वो बहुत कम होती है देखने को मिलती है इनको वो हम बोलते हैं डाई एम्ब्रियो ये सेम सेक्स के ट्विन्स नहीं होते ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्स के भी हो सकते हैं या सेम के भी हो सकते हैं ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म कौन से एग के साथ फर्टिलाइज कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एग्स डू यू थिंक वर रिलीज बाय द ओवरी ऑफ ए फीमेल डॉग विच गेव बर्थ टू सिक्स पर्पीज अब एक जो फीमेल डॉग है उसकी ओवरी कितने एग्स को रिलीज करेगी अगर वो सिक्स पपीज को बर्थ कर रही है डॉग्स में क्या है मल्टीपल बर्थ होते हैं एक ही टाइम पे बहुत सारे एग्स मैच्योर होते हैं और अगर वो बाई चांस फर्टिलाइज होते हैं तो सारे के सारे एग को क्या होते हैं इम्प्लांट हो जाते हैं यूट्राइन वॉल के साथ डॉग्स में जो लिटर होता है या जो हम बोल सकते हैं उनका जो डिलीवरी पीरियड होता है वो नाइन वीक्स का होता है फर्टिलाइजेशन के नाइन वीक्स के बाद वो जनरली बर्थ कर देते हैं अपने पपीज को बट ये जो लेंथ है जेस्टेशन पीरियड का ये 56 सिक्स टू सेवेंटी टू डेज तक वेरी कर सकता है मैंने बोला ना कि बायोलॉजी में क्या है एक्सेप्शन होती रहती है हर एक जगह पे तो ये वेरी करता रहता है और एक एवरेज जो फीमेल डॉग होते हैं उसमें जो बर्थ का रेट होता है वो जनरली होता है सिक्स मतलब तो एक टाइम पर वो छः पपीज़ को बर्थ कर सकती है अब ये नंबर हमारे वैरायटी टू वैरायटी या जो डॉग्स की डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है इन इस सारे जो इन्फॉर्मेशन ये मैंने अभी बताई इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि अगर कोई फीमेल सिक्स पपीज को बर्थ कर रही है फ़ीमेल डॉग सिक्स पपीज को बर्थ दे रही है तो उसकी ओवरी में कितने एग्स रिलीज होंगे सिक्स एग ही रिलीज होंगे जितने उसके बच्चे बनेंगे पप्पीज बनेंगे उतने ही एग रिलीज होंगे क्योंकि हर एक एग से क्या बनेगा एक बेबी फॉर्म होगा तो ये आगे हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन सारे तो इसी के साथ हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये चैप्टर कंप्लीट होता है आई होप यू लाइक दिस वीडियो And other video of this chapter. Thank you so much for watching this.